हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज मैं आपको कैसी लग रही हूँ इस वाले लुक में, ठीक है? और ये वही वाली साड़ी है जिसे मैंने जीटीवी शो पे पहना था, लेकिन आज मैंने थोड़ा अलग स्टाइल से इसे, आज मतलब थोड़ा सा हटके मैंने इसे स्टाइल किया हुआ है। और मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी होममेड नाइट क्रीम शेयर कर रही हूँ। इससे आप खुद अपने हाथों से बनाओगे और अपने हाथों से बनाने के बाद 10 से 15 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और 10 से 15 दिन जब आप नाइट में अपना स्किन केयर करते हो ना, उस समय पे आपको चेहरा धो के इस क्रीम को अपने पूरे चेहरे पे लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है, मसाज करके आपको सो जाना है। इसके बाद कुछ भी आपको अपने चेहरे पे नहीं लगाना है और मॉर्निंग में आपको अपना चेहरा साफ कर लेना है या फिर नहा लेना है। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से टाइम से पहले आपके चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्रीम को तो आपको लगाना है नाइट में, और दिन में अपना स्किन केयर आपको मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है। बस सिंपल सा स्किन केयर करिए। दो दो से तीन चीज़ ऐसी होती है जो हमारे स्किन केयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज की DIY क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है संतरे के छिलके। तो यहाँ पे दो से तीन संतरे आपको लेने हैं। ध्यान रखना है जो आपने संतरे लिए हैं उसका छिलका पीला होना चाहिए। अगर उसका छिलका हरा रहेगा ना तो आपकी क्रीम हरी बनेगी। तो यहाँ पे पीले छिलके वाला संतरा आपको लेना है। तो मैंने दो से तीन संतरे लेकर उनका छिलका निकाल लिया और इन्हें पानी से धोने के बाद डाल दिया है एक मिक्सी जार के अंदर। इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हो। पानी इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से आप इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद एक छलनी में डाल के आप इसको प्रेस करते हुए इसका जूस निकाल लीजिए, जिस तरीके से मैंने निकाला है। ये जूस निकालने के बाद आप इसे डाल दीजिए एक कांच के बाउल में। अब आपको इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन, यानी कि एक छोटा चम्मच भर के आधा चम्मच आपको इसके अंदर डालना है आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। और इतना सब कुछ डालने के बाद अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलोवेरा, क्योंकि इसी से जो हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी है ना वो बन के आएगी। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच भर के मैंने डाला था एलोवेरा। साथ में मैंने एक विटामिन ई ऑयल लेकर उसका कैप्सूल को मतलब उसमें पिन डालकर उसका जितना भी ऑयल था सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब एंटी एजिंग का काम ये करेगा। इसके लिए आपको इसके अंदर डालना है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाइम से पहले जो हमारे चेहरे पे रिंकल्स फाइन लाइन्स ये आ जाती है ना, इन्हें कंट्रोल करने में ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है तो आप ज़रूर डालें। डालने के बाद क्या करना है, अब आपको इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाना है, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ। और जब आप इन्हें अच्छे से मिलाओगे ना तो जितना भी सामान आपने इसके अंदर डाला है, जितने भी प्रोडक्ट डाले हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी क्रीम बनके आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे इसे मैंने मिलाया और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्रीम बनके तैयार हुई है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट की क्रीम है। अब आप इसे देख कर ये नहीं बोल सकते कि आपने इस क्रीम को खुद अपने हाथों से बनाया है। इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास में कोई भी कांच की क्रीम की डिब्बी पड़ी हुई है, पहले आप उसे धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद आप इसे भर के और 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में आप इसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। और वैसे तो आपको इसे रोजाना नाइट में सोते समय लगाना है। अगर आप घर में रहते हो तो आप दिन में भी इस क्रीम को यानी कि सुबह नहाने के बाद भी लगा सकते हो। आपको क्रीम लेने के बाद अपने पूरे चेहरे पे लगाना है, फिर आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इसे छोड़ देना है। ऐसा आप करें और इसे आप पूरे 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपको फ्रिज में रखना होगा। बाहर रखोगे तो इसमें महक हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्रीम बहुत ही अच्छी है। इसे हमने बनाया है संतरे के छिलके से, जिसमें संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और रंग गोरा करने के लिए आंवला और संतरा, नींबू, ये तीन चीजें सबसे पहले आती हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, अच्छा सा फेस वॉश और नाइट क्रीम, डे क्रीम, ये तीन चार चीजें अगर आप अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करते हो, साथ में ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, तो हफ्ते में 2 दिन कोई भी फेस पैक जो आपकी स्किन को सूट करता है या फिर मौसम के अकॉर्डिंग इसे लगाना शुरू कर दे, तो आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लोइंग रहेगी। उसके साथ में ये है, पूरी लाइफ आपकी स्किन पर कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी झाइया, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, इन सबसे आप काफी दूर बच के रह सकते हो। आज जो क्रीम बनाना मैंने आपको बताया है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ
में आ गया होगा कि आपको इस क्रीम को किस तरीके से बनाना है और बनाने के बाद कैसे आपको अपने चेहरे पे लगाना है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करना और मैं आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी जब मैं फ्री रहूंगी उस समय पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो ये मुझे कॉमेंट्स करके बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अब मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।